एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत की झूठी खबर के बाद बीते शुक्रवार को भारत में हैशटैग सर्वाइकल कैंसर लगातार ट्रेंड कर रहा था। अचानक से चारों तरफ सभी लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा करने लगे। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होने वाले आम कैंसर में से एक है। हर साल देश भर में 1,24,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है, जिनमें से 77,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। तो आइए जानते हैं क्या होता है सर्वाइकल कैंसर और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं। बच्चादानी यानी गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। अगर इस हिस्से में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है, जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये वायरस यौन संपर्क से फैलता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा और मुख्य कारण असुरक्षित और अनेक यौन संबंध बनाना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महिला जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संपर्क में आती है उसे कैंसर हो। वैसे अगर डॉक्टर्स की माने तो सभी लोग कभी ना कभी इस वायरस के संपर्क में आते ही हैं, लेकिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे खत्म कर देती है। हालांकि जिन महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना अन्य महिलाओं से ज्यादा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्विक्स की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेता है। सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है जो किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं, या जिनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, या जिन्हें HIV हो। अब जानते हैं कि इस कैंसर के लक्षण क्या है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब ये काफी मात्रा में फैल चुका होता है। इसके मुख्य लक्षण है योनि से लगातार पानी या रक्त स्राव होना, संभोग के बाद खून आना, पेट फूलना, हमेशा से ज्यादा दिनों तक मासिक धर्म रक्त स्राव होना, बिना मासिक धर्म के पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अब जानते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर उन कैंसर्स में से एक है जिनका पता कैंसर होने से पहले ही लगाया जा सकता है। यानी कि आप अगर समय समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं तो इसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये प्री स्टेज से शुरू होता है और उसे पूरी तरह से कैंसर में बदलने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है, और इसका इलाज पूर्णतः संभव है अगर सही वक्त पर इसकी शिनाख्त हो जाए। सर्वाइकल कैंसर का पता करने के लिए पैप स्मियर नाम का टेस्ट होता है, जो सभी सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को 3 साल के अंतराल में कराना चाहिए। भारत सरकार ने साल 2024-25 के बजट में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन तभी असर करती है जब महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है। जो महिलाएं श्रेणी में नहीं आती उन्हें सर्वाइकल कैंसर के कारणों से खुद को बचाना होगा। साथ ही 3 साल के अंतराल में पैप स्मियर नाम का टेस्ट कराकर डॉक्टर्स की सलाह लेनी होगी।